जरा पे आज बुझा गोटे आप्लिकेसन देखा हेडमास्टर पाक कौन कर हेडमास्टर पाक गोटे आप्लिकेसन देखा दुई दिन छुट्टी देह खराब अच्छी बुझ कौन लिखा टू द हेडमास्टर कौन सी जो स्कूल पढ़ु से स्कूल ना लिखा है कोरे गवर्नमेंट हाई स्कूल तो कोरे लिखा जो जगार आम स्कूल अच्छे से जगार ना लिखा है तो टू द हेडमास्टर टू पर लिखा द हेडमास्टर स्कूल ना लिखा तापर अंचल ना लिखा है थ्रक द क्लास टीचर क्लास टीचर के जरिया है क्या जरिया आम आप्लिकेसन टा क्लास टीचर के जरिया लिखा तब सब्जेक्ट कहपाई ग्रांट मी लीव फॉर रिमेनिंग पीरियड्स किसी पीरियड छुट्टी नवा चला देह खराब अच्छी किसी पीरियड आम छुट्टी नवा स्कूल जाइलु देह टे खराब लगला रिस्पेक्टेड सार मैडम यदि हेडमास्टर थे सार सार देखा यदि मिस थे तो मैडम देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई वुड लाइक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास तुम जो श्रेणी लिखियो नवम श्रेणी नवम लिखियो दशम थी दशम लिखियो पंचम थी पंचम थी जो श्रेणी थी से श्रेणी पठेगला ऑफ योर स्कूल है आई वुड लाइक टू से मुझे एप्लिकेशन देखुची से दैट आई एम स्टूडेंट मु क्लास कौन अच्छी मोर मन कर सी लिखी षष्ठ श्रेणी ए सेक्शन ए रु पढ़ुंला ऑफ योर स्कूल स्कूल नाउ आई गेट ए सर्व हेडची कौन मुंड बिंधा आरंभ हो स्कूल जाइए श्रेणीगृह बस पार ना मुंड बिंधुची सो आई अनबल सीट इन द क्लास क्लासरूम बस पारे ना है जहाँफल से कौन आप्लिकेसन लिखिं आग को देखिए है कौन अच्छी आई एम अनबल कौन टू सीट इन द क्लास देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड एनफ टू ग्रांट मी लीव फॉर द रिमेनिंग पीरियड किसी पीरियड छुट्टी देने से चिरप्रकृत हे योर ओबेडेन्टली तुम ना लिख तुम ना जा ना लिखला तुम क्लास तुम पंचम श्रेणी पंचम थी षठ थी मन कर सी षठी लिख तुम दशम थी दशम लिख जो श्रेणी थी तुम रोल नंबर और तुम डेट जो डेट तुम आप्लिकेसन लिखला तपर एपटे जो स्कूल लिखी से स्कूल ना और से अंचल ना लिख बुझ लिखिक कल अभ्यास करके आसो धन्यवाद।